नमस्कार, उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत ने महाविकास गाड़ी गठबंधन में बराबर की पार्टनर होने के बावजूद भी कांग्रेस पर जो टीका टिप्पणी की है उससे कांग्रेसी नेताओं का पारा हाई हो चुका है। कांग्रेसी नेता अब आग बबूला हो चुके हैं। एक बार फिर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष के गद्दे पर बैठाने की आवाज शिवसेना ने उठाई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने जो सोनिया गांधी की घोर बेइज्जती की है उससे कांग्रेसी नेता अब आग बबूला हो चुके हैं। कांग्रेस अब महाविकास गाड़ी गठबंधन सत्ता में बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो चुकी है। सोनिया गांधी को यूपीए अध्यक्ष की बजाय किसी बंजर गांव का मुखिया होना चाहिए, इस तरह की बात संजय राउत की तरफ से कही गई, जिससे राहुल ग्रुप के नेता नाराज हो गए और साथ ही कांग्रेस के अन्य नेता भी अब महाविकास गाड़ी गठबंधन में शिवसेना को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुके हैं। जिस तरह से सोनिया गांधी की और बेइज्जती की गई, कांग्रेस को लेकर के कहा गया कि विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के साथ आकर के खुश नहीं हैं, इसलिए कांग्रेस को यूपीए से अलग हो जाना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर शरद पवार को बैठा देना चाहिए और जो पार्टियां यूपीए में शामिल नहीं हैं उन पार्टियों को लेकर के संजय राउत ने कहा है कि यदि यूपीए की कमान शरद पवार को संभाल दी जाएगी तो वो पार्टियां भी यूपीए में शामिल हो जाएगी। कांग्रेस में अब इतनी ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सके और ऊपर से राहुल गांधी की क्षमता को लेकर के फिर से संजय राउत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि संजय राउत ने यूपीए को एक विपक्षी दल ना होकर के एक एनजीओ बता दिया है जो गांधी परिवार के इशारों पर चलता है और इसी कारण विपक्षी पार्टियां यूपीए में शामिल नहीं हो रही है। इस मामले को लेकर के जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके तहत एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संपर्क किया था कि आप पश्चिमी बंगाल में एक महागठबंधन का निर्माण करिए, वरना जो भारतीय जनता पार्टी आपको उखाड़ फेंकेगी। इसके लिए ही ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस से इससे संपर्क कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर एतराज जताया और राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के साथ महागठबंधन करने से मना कर दिया और राहुल गांधी ने साफ कहा कि हम वामपंथियों के साथ मिलकर के पश्चिमी बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार के इशारे पर इस महागठबंधन का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने शरद पवार के इस सपने पर पानी फेर दिया। लेकिन उसके बाद जो शिवसेना की तरफ से बयानबाजी की गई उसने महाविकास गाड़ी गठबंधन की राजनीति में हड़कंप मचा करके रख दिया है। कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी को यूपीए अध्यक्ष की बजाय एक बंजर गांव का मुखिया बता दिया है, इससे ज्यादा घोर बेइज्जती अब कांग्रेस की क्या होगी। कांग्रेस आला कमान की घोर बेइज्जती होना कांग्रेसी नेताओं को रास नहीं आ रही है। अभी तक कांग्रेस ने इसको लेकर के कोई बड़ा फैसला तो नहीं किया, लेकिन बताया जा रहा है कि अब डायरेक्ट महाविकास गाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला कांग्रेस कर सकती है। और जिस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर के कहा है कि किसान आंदोलन चले हुए एक महीना हो चुका है, लेकिन कांग्रेस ने इसकी सुध नहीं ली, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के साथ आकर के खुश नहीं है। गांधी परिवार की गुलामी विपक्षी पार्टियां नहीं सहना चाहती है, इसलिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए की अध्यक्ष की गद्दी पर बैठा देना चाहिए। कुल मिलाकर के कांग्रेस की हालत काफी कमजोर हो चुकी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नेतृत्व विपक्षी पार्टियों को पसंद नहीं आ रहा है, ऐसी बातें करके संजय राउत ने खुद गड्ढा खोद लिया है और अब कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का ग्रहण लगेगा। कांग्रेस अब इसको लेकर के कोई ना कोई बड़ा फैसला लेगी। पहले भी सोनिया गांधी की तरफ से जो लेटर वार किया गया था वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार को अंतिम चेतावनी थी। शरद पवार ने राहुल गांधी की क्षमता और काबिलियत पर सवाल उठाए थे, तब भी सोनिया गांधी की तरफ से चेतावनी दी गई थी। लेकिन अब जिस तरह से महाविकास गाड़ी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है, जिस तरह से संजय राउत की बयानबाजी के बाद में कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब कोई बड़ा फैसला ले सकती है। महाविकास गाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अब संकट मंडराने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेसी नेता एक तरह से कह सकते हैं कि अब बड़ा फैसला महाविकास गाड़ी गठबंधन पर लेंगे और संजय निरुपम जैसे नेताओं को लेकर के कांग्रेस भी काफी चिंतित है कि इस तरह की घोर बेइज्जती को यदि कांग्रेस कहीं ना कहीं बर्दाश्त करती है और महाविकास गाड़ी गठबंधन में बनी रहती है तो संजय राउत, अशोक चव्हाण, मिलन देवड़ा जैसे जो नेता हैं वो नाराज होकर के कांग्रेस को छोड़ देंगे और उसके बाद में कांग्रेस का टूटना तय हो जाएगा।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब सोनिया गांधी महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलेगी। राहुल गांधी ने इस पर एतराज भी जताया है। राहुल गांधी की तरफ से अब कोई बड़ा फैसला महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के लिया जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पहले ही दिन ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच करके सोनिया गांधी से मुलाकात करती है। इस महागठबंधन के मामले को लेकर के शरद पवार भी वहां जाने वाले थे, उसके बाद में पश्चिमी बंगाल में एक बैठक करने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही महागठबंधन पर एतराज जताया तो उसके बाद में शरद पवार है वो उनके सपनों पर पानी फिर गया और महागठबंधन का निर्माण नहीं हुआ। और उसके अगले ही दिन शिवसेना की तरफ से जो कांग्रेस पर बयानबाजी कर दी गई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी के साथ महागठबंधन करने की सलाह अब संजय राउत दे रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से शरद पवार को यदि यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर बैठा दिया जाता है तो सभी की सभी विपक्षी पार्टियां यूपीए में शामिल हो सकती है, लेकिन गांधी परिवार की गुलामी इन यूपीए की अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो पा रही है और इसलिए यूपीए काफी कमजोर हो रहा है। जो किसान आंदोलन हुआ है उसके लिए ना ही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इसके कारण हैं और ना ही अमित शाह इसके कारण हैं, सिर्फ कांग्रेस की वजह से इस किसान आंदोलन को लेकर के जो कहीं ना कहीं तूल पकड़ा हुआ है। कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने किसान आंदोलन को लेकर के जो सुध नहीं ली उस पर भी संजय राउत खूब बरसे हैं। कहा जा सकता है कि अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेसी नेताओं को लेकर के जो सवाल उठे हैं, कांग्रेस को लेकर के जो सवाल उठे हैं, मजबूत विपक्ष होने नहीं होने की बात जो संजय राउत की तरफ से कही गई है, कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर अब कांग्रेसी नेता कोई बड़ा फैसला लेंगे। यूपीए अध्यक्ष की गद्दी के साथ साथ प्रधानमंत्री की गद्दी पर भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बैठाने का समर्थन शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है और आने वाले समय में शिवसेना और एनसीपी गठबंधन में रहेंगे इस पर भी फैसला हो चुका है और शायद इसीलिए कांग्रेस को अलग थलग करने, कांग्रेस को खत्म करने, कांग्रेस को बर्बाद करने का काम अब शिवसेना और एनसीपी मिलकर कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इशारे पर जो कांग्रेस पर बयानबाजी की गई है उससे सोनिया सेना पूरी तरह से अब बौखला चुकी है। सोनिया सेना इसको लेकर के कोई बड़ा फैसला लेगी और वो फैसला फिक्स है, वो है महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आना। अब कांग्रेसी नेता अपने प्रेसिडेंट अपनी सोनिया गांधी की घोर बेइज्जती है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और अब इसको लेकर के कोई ना कोई बड़ा फैसला उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी उद्धव सरकार को लेकर के किया जाएगा। पहले से ही एनसीपी कांग्रेस के नेताओं में काफी ज्यादा बवाल था, लेकिन अब शिवसेना ने एक तरह से जलती आग में घी डालने का काम कर दिया है। अब इस घोर बेइज्जती को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के क्या कांग्रेस अब किसी तरह का बाहर निकलने का फैसला लेगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।